was really good. Second half was a bit boring as compared to the first half. Sunil Grover was good. Like, yeah, he's always good, rather. So it's good. I have no idea about all this, like, direction and all. And which song do you like the most? This is good, yeah. Okay, lastly, how many stars do you like? 3.5. You're welcome. Picture अच्छी थी, मतलब एकदम बहुत अच्छी भी नहीं, लेकिन विशाल भारद्वाज का एक टेस्ट रहता है उसकी फिल्म देखने का, तो मैं मना के आना पड़ता है. फिल्म में एक्टिंग जबरदस्त की, वो मतलब दोनों हीरोइनों ने जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता. मतलब मुझे नहीं लगता आज की तारीख में आज की हीरोइन कोई कर पाएंगी. एकदम फ्रेश और इतना गजब नॉन ग्लैमरस काम है, बहुत बढ़िया काम है. सुनील ग्रोवर अपनी जगह पर बहुत बढ़िया है, और फिल्म मतलब एक डार्क फिल्म है तो उस हिसाब से बहुत बढ़िया फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म है. लेकिन वही है कि मतलब वो उस आम पब्लिक के लिए नहीं है, मास के लिए नहीं है. मतलब थोड़ा बहुत उसके और स्टार के हिसाब से वो तो एक्टिंग में फुल 5/5 है. और फिल्म के बारे में मैं इतना बोलूँगा कि फिल्म 3 स्टार में जाएगी, क्योंकि फिल्म उतना चल नहीं पाएगी, लेकिन फिल्म अच्छी है. कोई मतलब ही नहीं है, मतलब एक से बढ़ धुरंधर दोनों. मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वो लोग हैं कर, इतनी नॉन ग्लैमरस और इतना वो लोग रोल में घुस गए, क्या बताऊँ. बहुत बढ़िया म्यूजिक तो राव विशाल भारद्वाज का खतरनाक रहता. दो गाने दोनों गाने मुझे बहुत पसंद आए. दो गाने मतलब जो लाइम लाइट के हैं, 4 स्टार. इट वॉज गुड, अलग कॉन्सेप्ट था एंड बहुत मज़ा आया देख के. मतलब सोचा नहीं था उससे अच्छी थी फिल्म. एक्टिंग तो उनकी बात ही अलग है, फर्स्ट टाइम आई थिंक मूवी की है उन्होंने, बट एक्टिंग वॉज एक्सीलेंट. सुनील ग्रोवर इज ऑल टाइम फेवरेट डॉक्टर गुलाटी, सो दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज गुड. एक्चुअली ये एट द एंड जो जैसे सिस्टर्स मिलती है, जो स्टार्टिंग से झगड़ा उन्होंने दिखाया है, एंड एट द एंड जो मिलते हैं, एंड दे शोड देयर लव विद टूवर्ड्स इच अदर, सो इट वॉज गुड टू वॉच. 4. थैंक यू. पटाखा वॉज ओके, इट वॉज लाइक बिट आर्टिस्टिक फिल्म, एंड थोड़ा विशाल भारद्वाज फिल्म है तो थोड़ा आर्टिस्टिक फिल्म है. इट्स नॉट फॉर एवरी वन, परफॉर्मेंसेज आर रियली नाइस, एंड स्टोरी थोड़ी हटके है तो इट्स नॉट फॉर एवरी वन, बट दोज हू लाइक टू वॉच सच फिल्म दे विल श्योरली एन्जॉय इट. ही इज़ ऑसम, ही इज़ एज यूजुअल अमेजिंग. डिडंट लाइक सेकेंड हाफ, इट वॉज अ बिट too lousy, but it was expected since it's a film about such, the script is like that only, but could have been better, could have been a shorter version, could have been crisp. How was the cat fight between Radha and sorry, how was the cat fight between Radha and Radha? Really nice, really nice. I enjoyed it thoroughly. What song do you like the most? The ending song. How many songs do you like? 3.5. Thank you so much. Excuse me, film was amazing, badhiya, ekdam masaledar. मज़ा आ गया. सानिया राधिका, क्या कुछ दिखा आपको पर्दे पर, परफॉर्मेंस कैसी थी? वेरी नेचुरल थी, पूरा मारवाड़ी था उनका जो डायलॉग था, तो देख के मज़ा आ गया उनकी, मतलब परफॉर्मेंस वॉज वेरी नेचुरल. सुनील ग्रोवर वॉज एज यूजुअल अमेजिंग, पूरा उनका स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा था, तो मज़ा आ गया उनको भी देख के. डायरेक्शन वॉज गुड लुक, सो आई थिंक मसालेदार फिल्म है, एक दो बार देखने लायक थी. आई वॉज लेट तो शायद मेरी आधी मूवी थोड़ी सी छूट गई थी स्टार्टिंग की. सुनील ग्रोवर का दोनों में लड़ाई करवाना, तो दैट वाज गुड. सॉन्ग वाज ओके बट इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ सिनेमा, तो आई रियली लाइक्ड इट, रीजनल था काफी. या डेफिनेटली 4/5. फिल्म पटाखा बहुत अच्छी थी, मूवी थी और देख के काफ़ी इन्जॉय किया हम लोग ने. बहुत अच्छी लगी, माइंड ब्लोइंग जो उनकी एक्टिंग थी वो माइंड ब्लोइंग थी. और बाकी जो इसमें डायरेक्टर है विशाल भारद्वाज, उनका काम बहुत सुपर्ब है. सुनील ग्रोवर बहुत अच्छी एक्टिंग रही उनकी, क्योंकि हम उनके बहुत पहले से फ़ैन हैं, सो उनकी मूवी मुझे बहुत पसंद है. म्यूजिक बहुत अच्छी थी. फिर से देखा जाएंगे फिर? ऑफ कोर्स. कितने सारे आप पाए? 4. थैंक यू सो मच. थैंक यू. आ जाओ भाई. कैसी लगी फिल्म?
पटाखा जो है ना, नाम सोच के सर वो लगता है कि वो पटाखा एकदम अलग ही है वो सर, पटाखा मतलब रहता है ना वो एकदम मस्त, एकदम अच्छा, इतना लगा दिखने के बाद ना एकदम फ्रेश मूड हो गया जो भी है, जो उसमें जो आर्टिस्ट है सब जो मतलब इतना अच्छा लगा, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है ना, पूछो मत सर, एक नंबर मूवी लगी मुझे। वो तो सर मैं सोच भी नहीं पा रहा था सर इतना अच्छे वो करेंगे करके, और न्यू वो तो हीरोइन है वो सब चीज़ें, तो बहुत उन्होंने जो पीछे का बैकग्राउंड वो सब चीज़ें जो किया है वो सब सब एक नंबर सर, मुझे बहुत अच्छा लगा सर वो चीज़ देखे। अरे यार वो तो पूछो ही मत सर, वो तो मालूम है ना जीत सोनी में तो उन्होंने पूरा धमाल कर दिया, और ये तो अभी पूछो मत, इसमें तो पूरा लग रहा भी नहीं था, सोच के भी नहीं पा रहा था कि मैं सुनील गोवर का वो ऐसा करेंगे और इतना पब्लिक को खींचेगा और इतना अच्छा लगेगा मूवी उनका, और इतना अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा। वो भी सर सही था एकदम, मतलब देखने लायक था, मतलब अच्छा लगा, थोड़ा बहुत मज़ा आया मूवी देखने के टाइम सर। अभी देखेंगे ट्राई तो कर रहे हैं सर, अभी देखते हैं, अभी ज़रूर देखेंगे और टाइम मिल रहा था सर, अभी देखते हैं आउट ऑफ भी दे देंगे 5-5।